मुट्ठी मारने के आदत से या हाथ से करने के आदत से कैसे रोके, इसके बारे में काफी लोग हमें सवाल करते रहते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कॉल्स आते रहते हैं, ऑफलाइन लोग यहाँ आते हैं हॉस्पिटल में और वो पूछते रहते हैं कि भाई ये हमको रोकना है। मैं पूछता हूँ क्यों रोकना है, बोले नहीं नहीं ये आदत अच्छी नहीं है, ये आदत से फिर आगे जाके लिंग में ढीलापन आ सकता है, फिर ये मैं बहुत वीर्य कमा रहा हूँ उससे मुझे बहुत परेशानी आ रही है, कमजोरी आ रही है और अभी मेरी ताकत गई, ऐसा लगता है देखो मैं कितना दुबला हो गया हूँ, पतला हो गया हूँ और ये आदत मुझे रोकना है। एक्चुअली क्या है कि ये बुरी आदत है या अच्छी आदत है, पहले ये हमको देखना पड़ेगा। बुरी आदत कब हो सकती है ये, कि भाई ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि इच्छा नहीं है तभी भी हाथ से कर रहे हैं, हाथ से मुट्ठी मार रहे हैं और हाथ से दिमाग को शांत कर रहे हैं, इतने बार कर रहे हैं कि लिंग के ऊपर जख्म हो रही है और तभी भी वो करने की इच्छा हो रही है, तो वो आदत को तो रोकना ही पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, वो आदत से इतनी बार आदत कर रहे, इतनी जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के पतन जल्दी होने की आदत लग जाएगी, शीघ्र पतन की आदत लग जाएगी। फिर आगे चल के मतलब शादी होने के बाद में क्या होगा कि अभी इतनी जल्दी जल्दी फास्ट कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, फटाफट कर लिया, हाथ से निकाल लिया, तो वो आदत बन जाएगी जल्दी निकालने की और शादी के बाद में भी जल्दी की आदत हो जाएगी, ये नंबर दो। नंबर तीन, ये आदत बुरी कब होती है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना ऐसा लिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना, बहुत ज़्यादा घर्षण करना और वो करके हस्तमैथुन करना है, मुट्ठी मारना, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो जो लिंग है ना वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, सेंसिटिविटी निकल सकती है क्योंकि आप बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत दबा रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, शादी के बाद में इतना प्रेशर तो योनि में लगता ही नहीं है, योनि में थोड़ी इतना प्रेशर होता है, तो फिर उस समय सेक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे दो तीन बातें हैं कि भाई इसमें ये खुद से करने की जो आदत है वो ठीक नहीं है, अदरवाइज खुद से करने की आदत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिन में एक आधी बार कर लेते हो, शादी के पहले कर लेते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है उसमें, कितना भी वीर्य गया तो भी उससे कोई परेशानी होती नहीं, नुकसान होता नहीं है। हाँ, मगर आप बीवी घर पे हैं, उससे करना नहीं चाहते, आपको करने की इच्छा उसके बदले अपने अकेले करने में ज़्यादा हो रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम है। ये लोग बोलते हैं कि भाई बीवी के साथ में जाता हूँ या गर्लफ्रेंड के साथ में जाता हूँ, वहाँ लिंग में टाइट बना नहीं आता है, अकेले में आता है, इसका मतलब आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, और अकेले में आता है इसलिए मैं हाथ से करता हूँ, अच्छा फिर वो गलत है क्योंकि आपको चांस है करने का, वो नहीं कर रहे और आप हाथ से कर रहे, तो वो एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर समझो अभी आपको आदत है तो फिर क्या करना है, एक तो क्या करता है कि मैं, मेरे पास में जब आते हैं लोग तो मैं मेडिसिन देता हूँ, जैसे SSRI टाइप की दवाइयाँ हैं, मेरे पास में कोई आता है तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि आपको मेडिसिन चाहिए क्या, तो मैं मेडिसिन देता हूँ, मेडिसिन विचार कम करने की, जो विचार बार बार आते हैं करने के, वो विचार कम करने की दवाई है, उसमें फ्लॉक्सिटिन है, सरेट्रालिन है, एसिटालोपराम है, ऐसी पैरोक्सिटिन, ऐसी दवाई में देते रहता हूँ। फिर दूसरा लोग बोलते हैं नहीं हमको काउंसलिंग करके बताओ, आप बिना दवाई का बताओ, फिर हम बोलते कि नहीं आप ऐसा करो कि अकेला रहना टालो, नंबर एक, अकेले आप रहेंगे तो फिर से वो याद आ जाएगा, तो अकेला रहना टालने का नंबर एक। नंबर दो, वो विचार आता है हस्तमैथुन करने का तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने को जो भी अच्छा लगता है वो काम में लग जाओ, कोई हॉबी होंगी तो उसमें लग जाओ, दोस्त को फ़ोन करो और कोई रिलेटिव को फ़ोन करो, माँ बाप को फ़ोन करो, मतलब ऐसा कोई तभी वो विचारों से डिस्ट्रैक्ट होना है, नंबर दो। नंबर तीन, कितना भी विचार आया वो करने का, उसके ऊपर एक्शन करने की नहीं है, विचार आने दो कितना आता है तो, और वो विचार आ रहा है वो विचार सबकॉन्शियस माइंड का है और सबकॉन्शियस माइंड का विचार जो आ रहा है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, विचार आ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन करने की नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। तो ये यदि करते हैं तो बहुत अच्छा है, और वैसा आपको लग रहा है ऐसा कि वीर्य जा रहा है और बहुत कमजोरी आ रही है, ऐसा होता तो नहीं है, मगर समझो ऐसा लग रहा है, तो जिम में जाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, अच्छा खाना पीना रखो, फिट रहो, तंदुरुस्त रहो, तो फिर आप जबरदस्त हो जाएंगे। हस्तमैथुन करना या मुट्ठी मारना कोई गलत नहीं है, वो तरीका कैसा है, कितने बार करते हैं, किस तरह से करते हैं, इच्छा नहीं होने के बाद में भी करते हैं क्या, उसकी आदत लगी है क्या, इसके ऊपर सब है। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, दवाइयों के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर नीचे दिए हुए उसके ऊपर कॉल करें
और अपना प्रॉब्लम जो है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।